हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ राहुल। समीक्षा इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास ज्योग्राफी में 6 नंबर की क्लास है, जिसमें हम पढ़ेंगे भूकंप या फिर अर्थक्वेक। ठीक है, याद रखना। देखिए, भूकंप क्या है, किन कारणों से उत्पन्न होता है, कौन कौन सी जगह पर अभी तक भूकंप आ गया है, ये सारी की सारी इन ऑल जो चीज़ें हैं भूकंप से संबंधित, पूरा ही पूरा कॉन्सेप्ट आपके इसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, पूरी पूरी क्लास में। इसके पहले ऑलरेडी 5 क्लास आ चुकी हैं, ये 96 नंबर की आपकी क्लास है। जाकर इससे पहले क्लास नहीं देखी तो जाकर देखिए, ज्योग्राफी संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहे हैं। ठीक है, और अगर आपने जो भी वीडियोस चाहिए या जो भी सब्जेक्ट वीडियो चाहिए तो वो समीक्षा इंस्टीट्यूट की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ठीक है, और इसकी PDF फाइल भी हम टेलीग्राम पर और वेबसाइट पर डालते रहते हैं, तो वहाँ पे इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से आप जाकर ऐड हो सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आए भूकंप से संबंधित इन ऑल जो भी क्वेश्चंस प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं वो सब इसमें से हम कवर करेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, और RI फुल नोट्स चलेगा इसमें। इसके पहले ही क्लासेस आपने देखेंगे तो आप समझ जाओगे। ठीक है, चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहले परिभाषा से समझेंगे कि भूकंप होता क्या, किस कारण से फैलता है। ठीक है, और फिर इसके कारण पे हम जाएंगे। देखिए, भूकंप क्या होता है, सबसे पहले तो याद रख लीजिए, भूकंप यानी भू या क्या कहते हैं, भू या फिर पृथ्वी में कंपन की स्थिति जब पैदा होती है तो वही भूकंप होता है। भू मतलब पृथ्वी, पृथ्वी में कंपन की स्थिति जब होती है तो उसको हम भूकंप कहते हैं। स्पेसिफिक परिभाषा के रूप में अगर देखा जाए तो भूकंप या भूचाल पृथ्वी की सतह के हिलने को कहते हैं। क्या, किसको कहते हैं, पृथ्वी की सतह को हिलने को कहते हैं। ठीक है, यह पृथ्वी के स्थलमंडल यानी लिथोस्फीयर में ऊर्जा के अचानक मुक्त हो जाने के कारण उत्पन्न होने वाले भूकंपी तरंगों की वजह से होता है। अब जो जो ऊर्जा की जो तरंगे हैं, जो ऊर्जा अचानक मुक्त होती है वो किन किन कारणों से होती है, कौन कौन से कारण हैं जो अचानक ऊर्जा मुक्त हो जाती है, तो ये सारे सारे कारण हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो पहले याद रखना, भूकंप क्या होता है, भू यानी भू के हिलने या उसमें हलचल उत्पन्न होने की स्थिति को या कंपन होने की स्थिति को हम भूकंप कहते हैं। ठीक है, कुछ और पॉइंट देखते हैं इसमें कि पृथ्वी के धरातल के नीचे जब कोई आकस्मिक हलचल होती है तो उससे भूपट्टी में कंपन पैदा होता है। किसमें, भूपट्टी में कंपन पैदा होता है, जब चट्टानें टूटती हैं तो टूटने वाले स्थान के नजदीक वाले जो कण होते हैं उनमें गति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, एक चट्टानी खंड जब दूसरे खंड की अपेक्षा गतिशील होता है तो दोनों के पारस्परिक घर्षण से उनमें कंपन उत्पन्न होता है। क्या होता है, उनमें दोनों में कंपन उत्पन्न होता है। ठीक है, इस तरह के कुछ कंपन धरातल तक पहुंच जाते हैं जिन्हें हम भूकंप कहते हैं। तो ये सारा इस पूरा पूरा पैराग्राफ को ध्यान से पढ़िए कि पृथ्वी के धरातल के नीचे जब कोई आकस्मिक हलचल होती है तो उससे भूपट्टी या फिर पृथ्वी की सतह पर कंपन पैदा होता है। जब चट्टानें टूटती हैं तो जो टूटने वाले जो आपस के जो उसके नजदीकी खंड होते हैं जब दूसरे खंडों से टकराते हैं और फिर वो गति करते हैं तो दोनों पारस्परिक घर्षण में उनमें कंपन पैदा हो जाता है। वो कंपन छोटा भी रह सकता है, बड़ा भी रह सकता है, उसकी तीव्रता अधिक भी रह सकती है। तो वो हमने सब भूकंपों को बांट दिया है। ठीक है, भूकंप कितने प्रकार के होते हैं उसमें हम अलग देखेंगे। तो इस तरीके से भूकंप की स्थिति या कंपन की स्थिति पैदा हो जाती है। ठीक है, याद रखना, पृथ्वी के अंदर भूकंप जहाँ उत्पन्न होता है, आप जो कुछ दो तीन पॉइंट है इसको ध्यान से देखिए कि जब पृथ्वी के अंदर जब भूकंप जहाँ उत्पन्न होता है उस स्थान को उद्गम केंद्र या फोकस केंद्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, फोकस केंद्र कहते हैं। इस उद्गम केंद्र, देखिए, इस उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी के धरातल पर जो स्थित बिंदु होता है, अभी आने वाले चित्र में मैं आपको दिखा दूंगा, उसको अधिकेंद्र या फिर एपिसेंटर कहते हैं। ठीक है, या क्या कहते हैं, अधिसेंटर कहते हैं। ठीक है, प्रेक्षण से पता चलता है कि अधिकांश भूकंप जो होते हैं 50 से 100 किलोमीटर की गहराई में उत्पन्न होते हैं, यानी पृथ्वी के ऊपर यानी लिथोस्फीयर में सामान्यतः देखे जाते हैं। कुछ भूकंप भी इससे अधिक गहराई में उत्पन्न होते हैं। प्रगाती तरंग उद्गम केंद्र सभी दिशाओं में चलते हैं। पृथ्वी के धरातल पर सबसे अधिक कंपन अधिकेंद्र होता है। ठीक है, कहाँ पर, धरातल पर। यही कारण है कि अधिकेंद्र के आसपास सबसे अधिक बर्बादी होती है। अधिकेंद्र से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, अधिक जो पृथ्वी का जो अधिकेंद्र होता है जो ऊपर जहाँ पर पृथ्वी धरातल पर बिल्कुल जैसे अभी चित्र में आप आगे देखिए वहाँ पर कम तरंग उत्पन्न होती है, वहाँ पर बर्बादी भी घटती जाती है। जैसे चित्र देखिए आप, इस चित्र में आपको देख रहा होगा यहाँ पर कि जहाँ पर जो भूकंप उत्पन्न होता है, ये जो केंद्र रहा, देखिए भूकंप का सेंटर पर अधिकेंद्र फोकस पर शुरू हुआ। ठीक है, कहाँ पर हुआ, फोकस पर शुरू हुआ, और जो पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा है, जो तटीय ऊपरी भाग है, ठीक है, पृथ्वी का ऊपरी सतह है, तो यहाँ पर इसका सबसे जल्दी सबसे पहले पता चलेगा उपकेंद्र पर, एपी सेंटर पर। ठीक है, कहाँ पर, एपी सेंटर पर।
और जो तरंगे जो इधर उधर जो फैली रहती हैं, जो इधर उधर जो तरंगे फैली रहेंगी, और जो भी इसके क्षेत्र में जैसे यहाँ पर कुछ घर होगा, जैसे एक घर यहाँ पर है तो यहाँ पर सबसे पहले पता चले, फिर यहाँ पर पता चलेगा, लेकिन सबसे पहले जो पता चलेगा वो कहाँ पर उपकेंद्र पर, यहाँ पर पता चलेगा। तो इस चित्र में देखिए ये तरंगे अलग अलग हैं, एस तरंगे, पी तरंगे, ठीक है, जे एल तरंगे, जे सब तरंगे मैं आगे बताऊंगा तीनों तरंगों को। लेकिन यहाँ पर चित्र में आप देख लीजिए कहाँ पर अधिकेंद्र से शुरुआत होती है भूकंप की, ठीक है, और सबसे पहले जो आविर्भाव होगा वो हमको जो यहाँ पर प्राप्त है, सबसे पहले भूकंप का पता चलेगा, वो एपी सेंटर उपकेंद्र में पता चलेगा, और आसपास के क्षेत्र तो इसके प्रभावित क्षेत्र में जहाँ तक इसकी तीव्रता रहेगी भूकंप की, वहाँ इसका पता चलेगा। ठीक है, भूकंप के अगर कारणों की बात करें किन कारणों से होता है, तो सबसे पहले महत्वपूर्ण अगर देखी जाए तो ज्वालामुखी इसमें से एक महत्वपूर्ण एक कारण है, क्योंकि जब मैंने इसके पहले पार्ट्स में आपको पढ़ाया था ज्वालामुखी, तो आपको पता होगा कि ज्वालामुखी कारण डायरेक्ट मेंटल से निकले हुए लावा के कारण फैलता है, उसके जो मैग्मा चैम्बर होते हैं उसमें जो मेंटल जो पार्ट्स होता है हमारा 29 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर के बीच में जो चैम्बर होते हैं मैग्मा के, तो वहाँ पे क्या जब जो ज्वालामुखी निकलता है ना, तो देखिए एक तो बिल्कुल शंकु के रूप में ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन आसपास भी उसकी क्या वेंस बन जाती हैं, आसपास भी रेखाएं या दरारें बन जाती हैं, तो दरारों के दबाव के कारण, उनमें गैस उत्पन्न के कारण, वो दबाव और प्रेशर के कारण ही भूकंप की उत्पत्ति होती है। जैसे पॉइंट देखिए कि ज्वालामुखी क्रिया के दौरान भूगर्भ से निकलने वाली बाष्प और मैग्मा द्वारा धरातल पर धक्का लगने से भूकंप की स्थिति भी उत्पन्न होती है। दूसरा है पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण भूपटल यानी क्रस्ट की चट्टानों में ब्रेंसन और बलन यानी फॉल्टिंग और फोल्डिंग की क्रिया के कारण भी भूकंप उत्पन्न हो जाता है। भूगर्भ शास्त्री एम एफ रीड के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक चट्टानों के रबड़ के समान फैलने और सिकुड़ने से भूकंप की स्थिति भी उत्पन्न होती है। अगला आता है कि मानव द्वारा खनन क्रिया बांधों का निर्माण एवं परमाणु विस्फोट आदि मानवीय कारणों से भूकंप की स्थिति भी पैदा होती है। कौन कौन सी देखिए, एक तो जो मानव खनन होता है, माइनिंग जो की जाती है जगह जगह पर पत्थर फोड़े जाते हैं, तो उसके दबाव के कारण भी भूकंप की स्थिति पैदा होती है। बांध के निर्माण के लिए भूकंप की, जब परमाणु विस्फोट किया जाता है तो उनके लिए भी, तो ये सब मानवीय कारण भी हैं, ज्वालामुखी भी कारण हो गया है इसका, पृथ्वी की आंतरिक स्थितियाँ भी हैं। जैसे हमने जो पृथ्वी का इंटीरियर पार्ट पड़ा हुआ था तो उसमें भी सब बताया ज्वालामुखी कैसे उत्पन्न होता है, किन किन कारणों से होता है, तो ज्वालामुखी और भूकंप में कई समानताएं, कई ऐसे सम्मिलित पॉइंट होते हैं, ये दोनों कारण उनके बन जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं भूकंपों का वर्गीकरण की भूकंप कितने प्रकार के यहाँ पर बताए गए हैं। देखिए भूकंप की अगर गहराई के आधार पर बात करें तो तीन प्रकार के होते हैं, सामान्य भूकंप, मानवीय माध्यमिक भूकंप और गहरे भूकंप। तो देखिए स्थिति देखिए गहराई के आधार पर सामान्य भूकंप की, जब पृथ्वी का जो हमने अधिकेंद्र पड़ा था, जैसे जो ऊपर का बिंदु जो पड़ा हुआ था, ऊपर का जो बिंदु पड़ा था, ठीक है, अधिकेंद्र, वहाँ से गहराई देखी जाती है, वहाँ से गहराई देखी जाती है कहाँ पर, धरातल पर, पृथ्वी के धरातल तक, तो धरातल से 50 किलोमीटर की गहराई पर सामान्य, माध्यमिक 50 से 250 किलोमीटर में माध्यमिक, और 250 से 720 तक गहरे भूकंप की स्थिति पैदा होती है। अब देखिए गहरे भूकंप की अगर बात करें तो सामान्य भूकंपीय तीव्रता तथा समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा जो होती है, देखिए समान जो भूकंपीय तीव्रता होती है, जो समान भूकंप एक तरीके से जो आते हैं और यहाँ पर बर्बादी के जो स्थान होते हैं उनको मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, हम उनको मिलाने वाली रेखा को कहते हैं सम भूकंप रेखा। क्या कहते हैं? सम भूकंप या आइसोसिस्मल लाइन भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन से बनता है परीक्षा में, ठीक है, समान बर्बादी वाले भूकंप के द्वारा उत्पन्न बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो सम भूकंप रेखा कहते हैं। अब कन्फ्यूज आपको, आपने एक पढ़ा तो आपको आसानी से जाएगा, लेकिन नहीं, इसके आगे आपको कन्फ्यूज ज्यादा होगा। जी देखिए इसका कारण प्राय अनियमित होता है। अब देखिए आगे वाला पॉइंट देखिए, किसी क्षेत्र के उस स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहाँ भूकंप एक साथ अनुभव किया गया है, वहां पर एक साथ अनुभव किया गया, उसे सह भूकंप रेखा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सह भूकंप रेखा। अब देखिए सह भूकंप रेखा और सम भूकंप रेखा दोनों में अंतर है, आप कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। सह भूकंप रेखा होती है जहाँ पर एक साथ अनुभव किया गया है भूकंप का, तो उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को सह भूकंप रेखा कहते हैं, ठीक है। और सम भूकंप रेखा जहाँ पर बर्बादी समान तरीके से हुई भूकंप के कारण, ठीक है। अगला देखिए, भूपटल में पृथ्वी की आंतरिक और बाह्य शक्तियों के प्रभाव के कारण उत्पन्न कंपन भूकंप या अर्थक्वेक कहलाता है।
भूकंप का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? भूकंप का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहते हैं, याद रखना, सिस्मोलॉजी के अंतर्गत है। और जो भूकंप की तीव्रता को जो मापता है, जो तरंगों को मापता है, वो सिस्मोग्राफ होता है, ठीक है। और जो रिएक्टर स्केल और मार्केली स्केल तो मैं अलग बताने वाला हूँ, लेकिन जी सिस्मोग्राफ और सिस्मोलॉजी को अच्छी तरीके से याद रखना, भूकंप से संबंधित है, ठीक है। भूकंप का अध्ययन करने वाले विज्ञान को सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंपी तरंगों का जो माध्यम होता है, वो जो मेजरमेंट होता है, वो सिस्मोग्राफ में किया जाता है, जैसे यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है पॉइंट, ठीक है। उपकरण के द्वारा ही मापा जाता है, जो तरंगों को मापा जाता है भूकंपी तरंगों को, वो सिस्मोग्राफ के कारण ही मापा जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में भूकंप उत्पत्ति केंद्र को भूकंप मूल कहते हैं, सिस्मिक सेंटर कहते हैं भूकंप उत्पत्ति केंद्र आंतरिक भाग में। जैसे यहाँ पर देखिए भूकंप, जो चित्र में ऊपर देखिए भूकंप मूल है, यहाँ से भूकंप की स्थिति पैदा होती है, ठीक है। भूकंप मूल के ऊपर स्थित धरातली बिंदु अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर जो ऊपर होता है, धरातली बिंदु कहलाता है, अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले भूकंपीय तरंगों के झटके महसूस किए जाते हैं। अगर मान लो जस्ट ऊपर ही व्यक्ति है, तो वहीं पे अगर अधिकेंद्र है इसका, तो सबसे पहले यहीं पे पता चलेगा। अब अंदर कौन देख कर आ रहा है हमको, तो धरातल पर पता चलेगा सबसे तेज भूकंप कहाँ पे आया, कौन सी स्थिति है, तो हम धरातल के वजह से ही इसका पता कर पाते हैं, समझ गए। चलिए आगे देखिए, अब इसको देखिए इस चित्र को, कि जो मापने की रिएक्टर स्केल और मार्केली स्केल होता है ना, इन्हीं में संशोधन करके मार्केली स्केल को क्या बाद में बढ़ा दिया गया था, पहले रिएक्टर या रिचर स्केल जिसको हम बोलते हैं, भूकंप मापने की जो इकाइयां है, रिचर पैमाना, इसको देखिए चित्र में आप देख सकते हैं, रिचर पैमाना भूकंप मापने, भूकंप पैमाना मापने की इकाइयां, रिचर पैमाने या रिएक्टर स्केल, इसकी खोज अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स फ्रांसिस रिचर ने की थी 1935 में की थी। कब की थी इसकी? अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स फ्रांसिस रिचर ने 1935 में की थी। इस पर 0 से 9 इकाइयां होती हैं, इस पर कितनी होती हैं? 0 से 9 इकाइयां होती हैं, याद रखना, ठीक है, 0 से 9 इकाइयां होती हैं। रिचर स्केल 6 से अधिक परिणाम, याद रखना, रिचर स्केल 6 से अधिक परिमाण वाले भूकंप के विनाशकारी भूकंप का अनुमान लगाता है, ठीक है। जो 6 से अधिक परिणाम होते हैं, इसमें इकाइयां कितनी है? 9 है। 6 से अधिक परिणाम पर जो मैग्नीट्यूड नापा जाता है इसका, तो वो 6 से अधिक पर विनाशकारी भूकंप होते हैं। दूसरे नंबर पर आता है मार्केली स्केल। क्या हुआ कि इसमें थोड़ा सा संशोधन, जैसे इटली के वैज्ञानिक मार्केली ने क्या 1931 में इस स्केल का निर्माण किया था, जिस पर कुल 12 इकाइयां थी, हालांकि 9 इकाइयों तक की जरूरत पड़ी, लेकिन 12 की जरूरत नहीं पड़ी, तो संशोधित करके रिचर पैमाने को हमने अपना लिया, ठीक है, याद रखना। चलिए अब आगे देखते हैं भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती हैं। तो भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं। प्राथमिक तरंगे, जिनको पी तरंगे या फिर प्राइमरी तरंगे भी बोलते हैं, वेव्स भी बोलते हैं, ये अनुदैर्ध्य या वर्टिकल तरंगे होती हैं। कौन सी? अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, जो आगे पीछे धक्का देते हुए चलती है। कैसे? आगे पीछे, ये सब पॉइंट नोट याद करते जाना है, कौन सी तरंग किस प्रकार की होती है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तरंगे ध्वनि तरंगों के समान गति करती हैं, इनकी गति सबसे अधिक 8 किलोमीटर पर सेकेंड, कितनी? 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। और ये तरंगे ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यम में चलती हैं। देखिए प्राइमरी तरंगें सब तीनों माध्यम में चलेंगी, ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यम में चलेंगी प्राइमरी तरंगें, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है कि कौन सी तरंग तीनों माध्यम में चलती है, तो कौन सी तरंग तीनों माध्यम में चलती है? प्राइमरी तरंग, ठीक है। द्वितीयक तरंगें, ये अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। द्वितीय तरंगें जो होती हैं अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, जो ऊपर से नीचे, कहाँ से? जो ऊपर से नीचे धक्का देते हुए चलती हैं, ऊपर से नीचे धक्का देते हुए चलती हैं। ये तरंगें प्रकाश तरंगों के समान गति करती हैं। द्वितीय तरंगें केवल ठोस माध्यम में ही गतिशील होती हैं। किसमें? केवल ठोस माध्यम में गतिशील होती हैं। इसकी गति 5 से 6 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। कितने? 5 से 6। अब देखिए सेकेंडरी वेव्स जो है, अब देखिए यहाँ से याद रखिए, अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोस माध्यम में चलेंगी, ऊपर से नीचे चलेंगी धक्का देते हुए, ठीक है, याद रखना, इनकी गति 5 से 6 किलोमीटर होती है। प्राइमरी तरंगों की 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, और जो तीनों माध्यमों में चलती है। अगली आती है हमारी धरातली तरंगे, या लैंड वेव्स जिनको बोलते हैं, या इनको लव तरंगे, एल वेव्स भी बोलते हैं, तीनों चारों नाम याद रख लीजिए। कैसे बोलते हैं इसको देखिए मैं बताऊँ, क्योंकि जो धरातली तरंगों की जो खोज की थी ना, वो एच डी लव ने की थी। किसने की थी? देखिए यहाँ पर देखिए, एच डी लव ने इनकी खोज की थी, तो इनको क्या लव तरंगे या फिर एल वेव्स भी कहने लगी। ये तरंगे क्या? ये तरंगे आड़े तिरछी धक्का देते हुए चलती हैं। ये 1.5 से 3 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती हैं। ये धरातल के समीप उत्पन्न होने वाली सबसे खतरनाक तरंगे होती हैं।
जो धरातल होता है जिस पर हम निवास करते हैं उसके आसपास चलने वाली सबसे खतरनाक तरंगे होती हैं। खोज किसने की थी? एचडी लव ने की थी। तो तीनों तरंगे आप समझ गए, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, ठीक है। इसका एक स्क्रीन शॉट ले लें तो आपको आसानी याद होगी। प्राथमिक तीनों माध्यम में 8 किलोमीटर पर सेकेंड, द्वितीय तरंग केवल ठोस में 5 से 6 किलोमीटर पर सेकेंड, जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं और प्राथमिक तरंगे अनुधर तरंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब विश्व के जो भूकंप क्षेत्र, क्षेत्रों के आधार पर अगर हम बांटे तो विश्व के भूकंप क्षेत्र कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। पहले नंबर पे आता है, जैसा हमने ज्वालामुखी क्षेत्र की पेटियां बांटी हुई थी, परिप्रशांत बांटी थी, माध्यमिक बांटी थी, ठीक है, अटलांटिक बांटी थी, ऐसे इसी प्रकार विश्व के भूकंपीय क्षेत्र को भी हमने बांटा है। परिप्रशांत कटिबंध, परिप्रशांत कटिबंध देखिए, प्रशांत महासागर के चारों ओर, कहाँ पर? प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित क्षेत्र को परिप्रशांत क्षेत्र कहा जाता है। प्रशांत महासागर के चारों ओर जो स्थित है, ठीक है, याद रखना विश्व के सबसे अधिक 68% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। इस क्षेत्र में भूकंप का कारण बलित यानी फोल्डेड माउंटेन पर्वतों की स्थिति है, प्लेटों का अपसरण एवं सक्रिय ज्वालामुखी का पाया जाना भी है। देखिए मैंने आपको बताया थी सबसे ज्यादा जो ज्वालामुखी, एक्टिव ज्वालामुखी जो है वो परिप्रशांत में आते हैं। और ज्वालामुखी और भूकंप का क्या बहुत ही नजदीकी संबंध है, क्योंकि एक दूसरे के कारण भी है, क्या एक दूसरे के कारण भी है, तो याद रखना। तो देखिए पर्वत जो परिप्रशांत कटिबंध है उसमें भूकंपों का कारण यानी जो फोल्डेड माउंटेन है, बलित जो पर्वत है उनका होना, पर्वतों की स्थिति का होना, ठीक है, प्लेटों का अपसरण होना, ठीक है, एक दूसरे की तरफ खिसक रही है प्लेटें, और जो प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत है, प्लेटों का अपसरण, जो सारे सारे मैटर पड़ेंगे, और सक्रिय ज्वालामुखी का होना, ठीक है। अगली आती है महाद्वीपीय, मध्य महाद्वीपीय कटिबंध, कौन सा है? अगला है मध्य महाद्वीपीय कटिबंध, ठीक है। इसमें देखिए मध्य महाद्वीपीय कटिबंध को भूमध्य सागरीय और अल्पाइन हिमालय कटिबंध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूमध्य सागरीय और अल्पाइन हिमालय कटिबंध भी कहा जाता है। इस क्षेत्र के विश्व के लगभग 21% भूकंप इसी में आते हैं। 68% किस में आते हैं? परिप्रशांत में, और मध्य महाद्वीपीय कटिबंध में 21% आते हैं। यह पेटी बेल्ट या विषुवत रेखा के समांतर है। यह पेटी कहाँ है? बेल्ट या विषुवत रेखा के समांतर है, ठीक है। इसी पेटी में हिमालय, आल्पस और अफ्रीका की भ्रंश घाटियों के सारे स्थित भूकंपीय क्षेत्र आते हैं, ठीक है। इस क्षेत्र के सबसे प्रमुख भूकंप क्षेत्र कौन कौन से? इटली, चीन, मध्य एशिया और वाल्कन प्रायद्वीप इसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, मध्य महाद्वीपीय कटिबंध के अंतर्गत। भारत का भूकंप क्षेत्र इसी पेटी के अंतर्गत आता है, याद रखना, मध्य महाद्वीपीय कटिबंध के अंतर्गत ही आता है भारत का भूकंप क्षेत्र। अगला आता है, अगली पेटी जो आती है मध्य महासागरीय कटिबंध, कौन सा? मध्य महासागरीय कटिबंध। महासागरों के बीच वाले भाग में पाए जाने वाले मध्य महासागरीय कटक या रिच के पास भूकंप की स्थिति का उत्पन्न होना, ठीक है। अटलांटिक और हिंद महासागर क्षेत्र में अपसादी प्लेट सीमांत के पास भूकंप की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे ज्वालामुखी की जो पेटियां बांटी थी उसी प्रकार इसकी भी बिल्कुल सेम पेटियां, चाहे इसको अटलांटिक पेटी कह लो, कटिबंध कह लो, ये अटलांटिक सागरी कटिबंध कह लो, या फिर मध्य महासागरी कटिबंध कह लो, ठीक है। अगला आता है, इसमें भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र सर्वाधिक भूकंप आते हैं। जैसे मध्य महासागरी कटिबंध में आप देखोगे तो इसमें जो आसपास के जो क्षेत्र हैं सर्वाधिक भूकंप आते हैं, ठीक है, याद रखना। अब देखिए जिस सारे ही सारे होगा विश्व के भूकंपीय क्षेत्र होगा, तीनों पेटियों बांट दिए, जैसे ज्वालामुखी बांटे थे, देखिए आपकी सुविधा के अनुसार पूरा ही पूरा मैटर परीक्षा उपयोगी है। तो आप अपने ऊपर, जैसे ज्वालामुखी भी आपको अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जब दोनों वीडियो देखोगे तो भूकंप भी अच्छी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब अगला बांटते हैं कि हम भारत के भूकंपों के बारे में अगर बात करें तो भारत में भूकंप कब कब आए, कौन कौन से विनाशकारी रहे, यहाँ पर इनकी संधि है, नाम दिया है, ठीक है, इसकी तीव्रता दी है और मरने वालों की संख्या। तो अब देखिए 1967 में आया था, ठीक है, कोयना में आया था महाराष्ट्र में 6.5 का, ठीक है। 1988 में, आपको बस नाम याद रखना है, तीव्रता सबसे लेटेस्ट याद रखना है अंडमान निकोबार में 2004 में बस, ठीक है, याद रखना। 1991 में आया था, ठीक है, 6.4 का उत्तरकाशी में, और 1988 में बिहार में और नेपाल में आया था, ठीक है। 1993 में लातूर में आया था, लातूर या लतूर भी बोलते हैं, जो महाराष्ट्र में 6.3 की स्थिति में। 1997 में जबलपुर में मध्य प्रदेश में आया था 6.8, ठीक है, 6.0 की तीव्रता के साथ, ठीक है, 6 की तीव्रता थी। 1999 में आया था चमोली में, उत्तराखंड में आया था 6.8 की तीव्रता के साथ। 2001 में आया था, काफ़ी विनाशकारी था, 8.1 तीव्रता के साथ भुज या गुजरात में आया था, ठीक है, याद रखना, गुजरात के भुज में।
2004 में अंडमान निकोबार एवं जो सुमात्रा द्वीप समूह है बांदर अचे का वहां पर जो इंडोनेशिया का उसके मध्य आसपास का क्षेत्र में आया था 9.0 तीव्रता के साथ, ठीक है, बहुत लोगों की मृत्यु हो गई थी, याद रखना। तो भारत के प्रमुख भूकंपीय क्षेत्र थे फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होंगे, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। काफ़ी अच्छा मटेरियल और हर सब्जेक्ट का मटेरियल आपको समीक्षा इंस्टीट्यूट पर मिलता जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ को सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स। टीम मुलाकात होगी अगले टॉपिक, जब तक के लिए बाय।